बस कर दो यार शोहर के घर जा रही हो तुम तो ऐसे रो रही हो जैसे तुम्हें सजा दी जा रही है वो उसके मुस्तकिल रोने पर कोफा ज्यादा हुआ था मेरे लिए तो ये सजा ही है वो रोते हुए बोले थी हाँ खूबसूरत सजा उसके चेहरे पर नज़र डालकर जोमानी अंदाज में मोड़ का उसे और डरा गया वैसे भी तुम्हारे शोहर कनगाह होने वाला है तुम शर्क ना हो ये तो गलत बात है ना आहर बड़ी बीवी तो तुम हो ना मेरी मिन्हा ने जी जान से ठटक उसे देखा था क्या हुआ तुमने हु ही तो मुझे इजाज़त दी है कि लाला से शादी कर लो मैंने सोचा बहुत सोचा अच्छा है तुम दोनों ही मुझसे मोहब्बत कर हो एक ही घर में रह भी लोगी मिन्हा की इसके इतमान पर हैरत अब गुस्से में तब्दील होने लगी थी जाइए करी उससे निकाल लेकिन इससे पहले मुझे तलाक उसके एक सर्द नज़र से मिन्हा के अल्फाज मुँह में ही दम तोड़ चुके थे तभी डैशबोर्ड पर रखा उम्र का मोबाइल बजा था तुम्हारे भाई का फोन है उससे पहले कि वो कुछ समय था वो उसके हाथ से मोबाइल लेने के लिए उस पार्ट जपटी थी पर वो सर से हाथ हो जाकर के उस कोशिश में वो उसके हाँ करीब आ गई थी मेरी जान तुम्हारे बाइक के पास ही जा मिल लेना वहीं उसका फोन काट कर वो उसकी तरफ झुका बोला तो वो तेजी से उससे से दूर हुई थी गाड़ी बड़े से गेट पर रुकी थी उसके हारन देने पर चौकीदार ने गेट गेटवा किया था सही मायन में उसके ओसान हटा हुए थे मैं नहीं जाऊंगी नहीं जाऊंगी वो चिल्ला कर बोली थी हारन की आवाज़ पर आह तेज़ी से उठा था बैठो इधर ही अंदर आने दो से उनके डुबटने पर वो उठते उठते दोबारा बैठ गया था उतरो गाड़ी को पोर्च में पार करके उसकी तब मुड़ा था नहीं उतरूंगी वो दोनों हाथ चेहरे पर रखे फूट फूट कर रो दी थी इसी वक्त वो कोई भी नरमी दिखाने के मूड में हरगिज नहीं था दरवाज़ा खोल कर वह तेज़ी से उतरा और अपने पीछे ज़ोर से दरवाज़ा बंद कर किया था दरवाजे के धमाके के बाद मिन्हा को उसके इंतहाई हरा मोट का पता दी गई थी वो रोना भूल का विंडो स्क्रीन से उसे देखने लगी जो गुस्से से उसकी तरफ तो बड़ा था जैसे ही उसने उसकी साइड का दरवाज़ा खोला वो बेसाहता पीछे हुई थी उतरो मिन्हा वो जूका साथी से बोला था कह दिया ना नहीं उतरूंगी वो रोते हुए चिल्लाई थी मुझे ज़बरदस्ती पर मजबूर नहीं करो उसकी कलाई थाम कर ज़बरदस्ती गाड़ी से उतारा था उसके चिन्हने चलाने की परवाह के बगैर वो उससे लिए अंदर गिर जाना पड़ा छोड़िए मुझे मुझे मेरी अम्मा के पास जाना है वो उसकी गिरफ्त से अपना हाथ छुड़वाते तड़पी थी अंदर दाहल होते ही अहसन को देखा लहमे के लिए वो ठटका था आहद ने हैरत के समंदर में गोता खाया था उमर क्या बदतमीजी है ये वो हैरत और नागवाड़ी से गंग रह गए थे उनको देखकर उसके हाथ की गिरफ्त हल्की हुई थी वो अपने हाथ उसकी गिरफ्त से छुड़वा कर एहसन की तरफ भागी थी बाबा बाबा ये मुझे ज़बरदस्ती ये जहाँ ले आए हैं उनके सीने से लगी ज़ोर जोर से रो रही थी उमर क्या है ये साहब वो हैरान परेशान उमर से पूछते थे आपकी बेटी का दिमाग ठिकाने नहीं है जहाँ रहेगी तो दिमाग जगह पर आ जाएगा उसकून से बोला उम्र एहसान साहब को कुछ समझ नहीं आ रहा था बाबा मुझे अम्मा के पास जाना है मुझे जहाँ नहीं रहना वो रोते हुए बोली थी रहना तो तुम्हें सारी जिंदगी मेरे साथ ही है अब उसने उसे आँखें दिखा वो एहसैन साहब में छुपी थी ये मुझे डांटते हैं गुस्सा करते हैं मुझ पर मैं क्यों रहूँ इनके साथ और बाबा उन्होंने मुझे थपड़ बी मारा उसकी शिकायत कर गई थी आहद का जी चाह उसके बचपन एक अपना सर पीट ले उमर क्या कह रही है ये तुम इस हाथ तक जाओगे मैंने कभी नहीं सोचा था एहसान साहब ने गुस्से और ताज से उसे देखा था शोर की आवाज़ सुनकर राना भी अपने कमरे से निकल आई थी आपको नहीं पता इसके दिमाग में क्या हनास बढ़ा है मेरी बर्दाश्त की हद इतनी थी कि आज ये जहाँ इस कार में खड़ी है अब अगर आपकी लड़ली ने यह बात दोहराई है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा वो धमकी अब में बोलता उसे मजीद हाइफ कर गया था क्यों लाए हो तुम इसे यहाँ वो नागवारी और गु़स्से के मिले जुले तसरा से मिली थी बोली थे राना को देखा उसने एहसान साहब के बाज़ू को मजबूती से जगड़ा था ये अब यही रहेगी वह इन साहब को फेस करने के लिए खुद को तैयार करके आया था इसीलिए सुकून से बोला था और बाकी सब का सुकून बर्बाद कर गया था क्या बकवास कार है वो उसे देखा गुस्से से चिल्लाई थी आहर जाओ अभी के अभी इसे घर छोड़कर कर आओ अहसन साहब आहद की तरफ मुड़े थे ये इसी घर में ये इस घर से कहीं नहीं जाएगी अब आप लोग सभल रुख्सत करवा कर ले आया हूँ मैं इसे वो हटेले ला मैं बोलता उन तीनों को हैरान कर गया था जबकि उसकी जान निकाल निकाल गया था मैं इसे कभी भी कबूल नहीं करूँगी डाना चाहिए थी देखो मैं तुम इस वक्त बहुत गुस्से में हो हम बैठ कर तसली से बात करते अभी इसे घर जाने दो ऐसा साहब को अंदाजा था उस पर गुस्से का को कोई फायदा नहीं था ये अभी जाएगी और इस घर में वापस कभी नहीं आएगी राना ने तहकमियत से कहा था एक बात आप लोग सुन अगर इस घर से जाएगी तो मैं भी इसके सगर, इस घर में नहीं रहूँगा वो जारियत से बोलकर अपने कमरे में चला गया था वो हाक रह गई थी उसकी दमकी महज दमकी नहीं थी उनका बेटा जिसने कभी जिद नहीं की थी आज उसकी आंखों में जिद देकर राना और एहसन दोनों ही चुप कर गए थे राना एक उगुस्ली नजर उस पर डालकर वापस पलट गई थी आहद मिन्हा को अपने कमरे में ले जाओ फिलहाल वो आहद की तरह मुड़े थे नहीं बाबा मुझे घर जाना है वो मछली थी बेटा मैं सुबह हु तुम्हें छोड़ छोड़ाऊँगा सुबह फजर की नमाज पाड़ वो मुंह अंधेरे अरसनान के घर के बाहर पहुंचा हुआ था वो इस वक्त किसी का भी सामना नहीं करना चाहता था क्या है यार तू मेरी नींद का दुश्मन तेरी बीवी की रुख से अब हो जानी चाहिए करता हूँ बात बाबा से अरसलान नींद में फोन कौन से लगाया जलाया था इतना तरद करने की जरूरत नहीं है ले आया हूँ मैं अपनी बीवी को रात को इस वक्त मेरे घर पर ही है वो बड़े आराम से बोलकर वो उसे नींद में उछलने पर मजबूर कर गया था सुनो तूने पी भी तो नहीं रखी वो मुंह सूखड़ कर बोला था अरसलान तो बाहर आ रहा है या मैं बैल बजा दूँ वो चिड़कर दम की अमेज लहजे में बोला तू वाकई आया है आसान को जैसे यकीन आया लो उम्र ने हारन पा हाथ का छोड़ा था वो एकदम से उठा था कोई आ आ गया यकीन रहा समझ नहीं आती तेरी सुबह सुबह निकाह का लेते हो जी चाह तो खुद ही आधी रात को रुखसी भी करवा लेते हो वो मुसलसल बड़बड़ाते हुए जूते पहनने लगा बकवास पूरी हो गई है तेरी तो सुन हम फार्म हाउस जा रहे हैं इसी हिसाब से तैयार होकर आना और को झटके पर झटके दे रहा था बासुन बाहर आकर सुन सुना देना वो बेजार से कहता फोन काट गया था ये करना क्या चौराहा है मोबाइल को घूर कर उसने मोबाइल को पर दूसरे हाथ में थामा जूता जमीन पर फेंका था फिर से फिर साठ चटक का वाशरूम के दबागा था वो सुबह फजर के वक्त उसके कमरे में जाके उससे माफी मांग लेना चाहती थी पर झिझक में बैठी रही बैठे बैठे ही उसकी आँख लगी थी दोबारा उठी तो सारे नौ बा चले थे आज अभी तक सो रहा था उठकर वाशरूम में फ्रेश होने गई बालू में ब्रश करके खुला छोड़ दिया अपने सरापे पर मुतमिन नजर डाल का उसने हाथ को एक नज़र देखा था फिर धड़कते दिल के साथ कमरे से निकली थी इधर उधर देखते हुए वो उसके कमरे के दरवाजे पर रुकी थी सीने पर हाथ पहा उसने दिल को संभालते हुए कमरे का दरवाज़ा खोला था उसकी महसूस दिल फ्रेब खुशबू नत नू से टकराई थी उसका सामना करने के खयाल से इस बार दिल होफ से रुका था खुद को संभालते हुए उसने गहरा साँस दिया फिर धीरे से अंदर दाखिल हुई थी सामने बेड हाल ही देखा उसने सारे कमरे में निगाह दौड़ाई थी वो कमरे में कहीं भी नहीं था सारा कमरा बिखरा हुआ था जो कि उसके मूल का पता दे रहा था मिन का दिल दड़का था बैठप उसके रात वाली शर्ट गोल मोल पड़ी हुई थी उसकी नज़र वाशरूम के आधे खुले दरवाजे पर पड़ी वो बेअतियार आगे बढ़ी वो वाशरूम में भी नहीं था उसका दिल दाग से रह गया था इतनी सुबह वो कहाँ जा सकता था वो बेअतियार नीचे बागी थे लौन छाली था उसने किचन में झाँका वो वहाँ भी नहीं था वो दरवाज़ा खोलकर बाहर आई उसकी गाड़ी नहीं थी उसका दिल डूबा था जैसे उसने उसे खो दिया हो वो वापस आहद के कमरे में गई थी आहद उठो उसे झंझोड़ गई थी क्या हुआ अचानक उठकर बैठा था वो वो अपने कमरे में नहीं है वो रो देने को हुई थी यार वो कोई बच्चे तोड़ी है वो दोबारा लेट नहीं लगा था नहीं आहद वो कहीं भी नहीं है नीचे भी नहीं वो अब रोने लगे थे उसे रोता देखा वो उठ बैठा था मिन्हा ऑफिस गए होंगे तुम रो तो नहीं यार फिर उसका हाथ पक कर अपने पास बिठाया था आज संडे है आहद उन उनकी गाड़ी भी नहीं है वो गुस्से में वो मुझसे नाराज़ होकर कहीं चल चल वो अब हिचकीू से रो रही थी मेरा दिल परेशान हो रहा है कुछ करो आहद मुझे इन्हें देखना है मैं उनसे सोरी काट लूँगी वो उसका हाथ थाम कर रोते हुए मिन्नत कर रही थी सुनो यही होंगे अच्छा हटो मैं देखता हूँ वो कमरे से निकल गया था वो उसके पीछे गई थी उसकी उंगलिया उम्र का नंबर मिला मिला कर थक गए थे मगर बेसूद उसका फ़ोन सुबह से आप था चौकीदार ने बताया कि वो सुबह फजर से गाड़ी लेकर निकला था आहद ने उसी वक्त अरसलान को फ़ोन किया था पर उसने फोन नहीं उठाया था वो ना कुछ खा रही थी और ना ही कुछ पी रही थी मजबूर अहद अहसन साहब को कॉल करके बुलाना पड़ा था मिन्हा कुछ खा लो प्लीज बयान आ जाएंगे देखो वो कोई बच्चे थोड़ी है इस ना तुम तो खुद को बीमार कर लोगी आहद काब से उसकी मिन्नतें कर रहा था कि वो खा ले कुछ नहीं होगा इससे आवाज पर दोनों ने मुड़कर देखा था रजिया मेरा नाश्ता मेरे कमरे में लाओ राना ने किचन से निकलते रजिया से कहा था एक बेटे को माँ से नाफरमानी पर उकसा कर इन माँ बेटी का कुछ नहीं हुआ तो फिर तो बगैर खाई भी इन्हें मौत नहीं आएगी वो हकारत से बोली थी आहद लाभ बेचे खड़ा था जबकि वो उसकी नजरें जमीन में गड़ी थी जिसकी वजह से राना चील की तेजी से आगे बढ़ी थी उन्होंने बेदर्दी से उसे बाजू से थाम का खड़ा किया था इसी वजह से मेरा बेटा मेरे आगे खड़ा हो गया है उनकी बेदर्द गिरफ्त में वो तड़पी थी मामा क्या कर रही हैं आप आह ने इन्हें पीछे हटाना चाहा था उन्हें पीछे हटाना चाहता राना छोड़ो उसे अहसान साहब के घर बड़ी आवाज़ से सारा घर लड़ता था नहीं छोड़ूंगी मार डालूंगी मैं इस डाइन को उन्होंने जनूनी कैफियत में उसे झंझोर डाला था अहसान साहब तेज़ी से आगे बढ़े थे छोड़ो इसे उन्हें सहती से पीछे करते वो दाड़े थे आह आहने हवास बहाता सी मिन्हा को अपने बाजू के गिरे में लिया था ना जाने क्या जादू आता है एहसान आपकी बहन को वो भी ऐसे ही मर्दू को अपने पीछे पागल कर देती थी वो उसे होनहार नज़र से घूटते हुए बोल रही थी खामोश हो जाओ राना मारे जब के एहसन साहब का चेहरा शुरू हुआ था यही हुनर आपकी बहन ने अपनी बेटी को भी दिया है उनके अल्फाज उसे ज़िल्लत के अंधेरे में धकेल रहे थे मेरे घर में वापस आने के लिए इसकी माँ ने ही इसे उम्र के पीछे बस एहसन इब्राहिम का हाथ उठा था अब की बार एहसन इब्राहिम खुद बार जब्त खो चुके थे मिन्हा ने अपना हाथ होंठों पर जमाया था बाबा आहत आगे बढ़ा था लेकिन वो अपना हाथ रोक चुके थे राना ने फटी फटी आंखों से उनके उठे हाथ को देखा उन्हें देखा था अगर अब अगर अब तुमने एक मजिद कहा तो मैं हमारे बीच इस रिश्ते को यहीं बार खत्म कर दूंगा इसी हाथ को नीचे करके वो उंगली उठाकर उनकी आंखों में देखते एक पल में उनको उनके औकात ज्यादा लागे थे राना दक सहरा कि बाबा नन नहीं आहत के होंठों से अल्फाज टूट टूट कर निकले थे किस हक़ की बात कर रही हो तुम हाँ ये घर मेरी बहन के बाप का है मेरी बहन को विरासत में मिला है वो चुपा चुबा, चुबा कर बोल रहे थे इतना गिर चुकी हो तुम राना मुझे खुद पर शर्मा रही है मुझे इस रिश्ते पर शर्मा रही है जो हमारे बीच है उन्हें देखते हुए एहसान सामने तासर से सरहला था राना पत्थर की मूर्त बनी फटी फटी आंखों से उन्हें देख रही थी बाबा प्लीज बाबा अंदर आप अंदर जाइए प्लीज आह ने उन्हें अंदर कमरे में ले जाना चाहा था बाप के मुंह से निकले अल्फा उसके गार्ड का शहराजा बिखेर सकते थे उसे इस वक्त उमर इब्राहिम याद आया था मुझे रब से बस एक ही शिकवा है ये औरत मेरे बेटे की माँ है वो डिज़र्व नहीं करता ऐसी माँ यही पछतावा है वो गहरे गहरे सांस लेते थके थके, थके अंदाज में बोल रहे थे उनका नाम शिकस्ता लहजा बरसों का बोझ लिए हुए था वरना इस औरत को कब का अपनी ज़िंदगी से बेदहल कर चुका होता उनके लहजे में अब तेजी ने ही राणा को झुकने नहीं आया था बाबा प्लीज बाबा आ उनके सामने हाथ जोड़े थे राना के हाथ से अपनी जिंदगी की सारी कमाई जैसे आज निकलने लगी थी इस बार आ से कुछ भी बोला नहीं गया था राना की आंखों से आज क्या-क्या ना बह निकला था बरसों की झूठी इज्जत आज मुलाजमो और औरत की बेटी के सामने हाक को उनका उनका मान एक जरूर साब टूटा था कि तुम दोनों की माँ है सिर्फ इसलिए मैं रिश्ता मरते तक कायम रखने पर मजबूर हूँ लेकिन अब अपनी माँ से कहना मेरे सामने ना आए इस घर में रहे ना रहे मुझे कोई फर्क नहीं पता लेकिन मेरी जिंदगी और मेरे कमरे में इस औरत की कोई जगह नहीं है वो कहकर रुके नहीं थी राना बेदाम से सोफे पर बैठने के अंदाज में गिर सी गई थी आहद बाप के पीछे क्या था एक अफसोस बड़ी निगाह राना पर डालकर वो आहद के कमरे की तरफ बागी थी कुछ देर बाद वो उसके पास आए थे उन्हें देखा वो फिर रो रही थी मुझे मैं अभी जाकर उसके कान कहता हूँ उसकी हिम्मत कैसे हो मेरी बेटी को रुलाने के वो उससे बाजू हल के हल्के में लेते हुए बोले थे नहीं बाबा वो पता नहीं कहाँ चले गए हैं वो रोते हुए बोले थी आ जाएगा वो बेटा पर ऐसा कैसे चलेगा कुछ खाओ फिर मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ घर उसे नीचे डाइनिंग टेबल पर लिया थे नहीं मैं नहीं जाऊँगी जब तक वो नहीं आएंगे मैं नहीं जाऊँगी मुनफी में जर हलाती बोली थी दो तीन नवाले लेकर उसने मज़ीद खाने से इनकार किया था आहद अरसल को फोन करो कहाँ जाएगा उसी के साथ होगा वो आहद से बोले तो आहद ने एक दो मिनट अरसान से बात करके फोन रखा था नहीं बाबा वो कह रहे हैं कि उनके साथ नहीं है बयान आहद की बात सुनकर वो फिर रो दी थी आ जाएगा मेरा बच्चा वो थोड़ा सा गुस्से में है गुस्सा उतरेगा तो आ जाएगा मैं उसके सब दोस्तों को फ़ोन करके पूछता हूँ तुम जब तक थोड़ी देर सो जाओ उन्होंने उसे कंधे से लगाया था जब वो थोड़ी देर आराम करो आहद उन्होंने आहद को इशारा किया था कमरे में आकर उसने नमाज पढ़ी थी दुआ के लिए हाथ उठाते ही वो चीज तक उठी थी अल्लाह प्लीज़ एक बार मुझे उन्हें दिखा दे मैं उनसे सॉरी का लूँगी मैं मानती हूँ मेरी गलती है मैं आपसे भी माफ़ी मांगती हूँ आप एक बार उनको ले आइए प्लीज़ आहर ने उसे बेड पर लटाया था सारी रात की जागी वो पाँच मिनट में, में सो गई थी वो नीचे आया था राना उसे कहीं भी नहीं दिखी थी अम चाचा वो मामा कहाँ हैं ज़िंदगी में पहली बार उसे माँ के बारे में पूछने में चिचक हुई थी वो तो बेटा उसी वक्त ही घर से चली गई थी अमजद को भी बताना मुश्किल हुआ था वो ठटका था अमजद किचन में चले गए थे चले गई वो हैरान परेशान वही कर रह गया बयान कहाँ आप बसी से क्या उसने फिर उस कार नंबर मिलाया था राना तुम शैला ने उन्हें बैठने के लिए नहीं कहा था हाँ मैं बस वो उन्हें समझ नहीं आया क्या कर। तुम तुम्हें आना नहीं चाहिए था मेरी बेटी की हालत बड़ी मुश्किल से संभली है मैं नहीं चाहती कि तुम्हें देखा वो फिर से हाइपर हो शाला दो टोक लहजे में बोली थी शाला ऐसा ऐसा ने मुझे बहुत बेइज्जत किया है वो बहुत गु़स्से में है शाला मैं मैं कुछ नहीं जहाँ राना की आवाज़ बढ़ाई थी अपनी ही इज्जत नवस पा पाऊँ रख का पूरे कर से खड़ा होना कितना मुश्किल होता है इस वक्त को राना से पूछता देखो राना ये सब तुम्हारा अपना किया दर है मेरी बेटी को भी इस मकाम पर तक तुम लाई हो तुम इस वक्त यहाँ से चली जाओ मैं तुमसे ऑफिस में मिलूंगी कुछ दिन बाद जब लैला ठीक हो जाएगी शाला का बेजार अंदाज़ राना का रहा सहा गरूर भी तोड़ गया था बेगम साहिबा छोटी बीबी उठ गई हैं उसी वक्त ऊपर से मुलाजमान इन्हें पुकारा था राना तुम चली जाओ यहाँ से प्लीज़ मैं नहीं चाहती तुम्हें लाला यहाँ देखे वो तेज़ी से सीढ़ियों की तरफ बढ़ी थी शाला मैं राना ने उसे रोकना चाहता बस जाओ राना प्लीज वो अल्तजाई अंदाज में कहती तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ गई थी उठ यार कितना सोएगा दो बज रहे हैं सुबह से आहद के दस फोन आ चुके थे वो जो ऊँंद मुंह दुनिया वाफिया से बेहबर सोलह हजार साल के झंझोड़ने पर बरह हुआ था क्या है दफा हो जा मैं सारी रात नहीं सोया वो सर उठाए बगैर जला कर बोला था रात जो तुम मर्द मुजाहिद बनकर बीवी का हाथ पकड़े गार ले आया है उसका इबार्ड तो ले ले वो वहीं उसके बैल पर बैठ गया था सोने देर तकिया तक मुँह बड़कता वो मिन्नत बड़े लहजे में बोला था मेरी नींद उड़ा कर सोने दो तुझे अरसलान उसके साथ से थकिया हटाते चीखा था उसको एक बला की हूं पर मसाला देखा अब के वह उठ बैठा था अरसलान को गुड़ से नमाज का उसके उसने बात पड़ी शर् उठाकर थी दिपे हसब आदत बालू को हाथ से संवारने लगा था अर्सनान सबर से उसकी सारी हरकत सकना देख रहा था इतना ना प्यार से तो कभी मेरी बीवी ने भी मुझे नहीं देखा जैसे तू मुझे देख रहा है नाश्ता बनवा यार बहुत खड़ा हुआ था क्या किया है यार तूने मेरी माँ सी अर्सना ने उसे शर्मिंदा करना चाहता था लेकिन वो उसकी बात काट गया था तुम्हारे और आज की जो बहन नशोला ज्वाला बनी हुई और मेरा अपना वो हाल है कि वो में चप्पल पहनकर वाशरूम के दरवाजे की ना पर हाथ रखता रुका था सोचता हूँ कि मुझे कितनी मासूम सोचता हूँ कि वो कितनी मासूम थे क्या से क्या हो गए देखते देखते वो मुड़े बगैर एक हाथ उठाकर दिलकश अंदाज से गुनगुना था वाशरूम में गुस्सा था पीछे वो कहका लगा गया था क्या कर रहा है यार छोड़ी से उसे सिगरेट पीता देखा अरसनान बोझुका रह गया था उसने आगे बढ़कर उसके हाथ से सिगरेट लेनी चाहिए थी वो कभी सिगरेट नहीं बिता अक्सर उसके हाथ में सिगरेट देखा वो चिट जाता था और अर्सी तंग न कर मैं कोई बचा नहीं हूँ उसका हाथ पड़े कदम अजीब यासी यासियत बड़े अंदाज में गहरा कश लेता बोला था तेरी रात वाली हरकत से मुझे पता चल गया कि तू बचा नहीं है वो भी कुर्सी से सैर टिकाता उसे गुड़गा बोला था पर उस पा मुतल असर हुआ वो सिगरेट के गहरे गहरे कश लगाता दूर आसमान को ताक रहा था मैंने जिंदगी में पहली बार उनसे ऊंची आवाज़ में बात की वो हमेशा समझती रही है कि मैं उनसे ज़्यादा बाबा से प्यार करता हूँ वो आसमान बार निकाह जमाए बोल रहा था अरसान के दिल को तकलीफ़ हुई थी उन्होंने हम दोनों भाई को कभी खुद के करीब ही नहीं आने दिया कि मैं उनको बता पाता कि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ अरसना ने दुख से अपने प्यारे दोस्त को देखा तब वो अपने महसूसात का इजहार करने वाला इंसान नहीं था लेकिन अरसलान जानता था कि वह खुद से जुड़े रिश्तों पर जान कुर्बान करने को भी तैयार रहता था और वो वो बोलते बोलते रुक अब दूसरा सिगरेट सुलगा रहा था अरसलान को आज अंदाज़ा हुआ था कि उस, उसे सिगरेट पीता देकर उम्र को कितनी तकलीफ़ होती होगी वो मुझसे इतनी बासदान होगी है कि मुझसे जुदा होने को भी तैयार हो गई है आपके के उसने ने इस तरह में गहरा कश लिया था अर्सला ने बेचैनी से पहलू बदला था अहद के बहुत भार फून आ चुके हैं यार और अब तो बाबा भी परेशान है मैं कब तक झूठ बोलता रहूँगा उसका रो रो कर बुरा हाल है चल यार चलते हैं अर्सला ने उसके हाथ से सिगरेट ले लिया था थोड़ी सी सजा तो उस अहम अहमको की को की को शहजादी की भी बनती है ना वो उसकी सुंदर रूप को आंखों में बरता संजीदगी से बोला था राना सुबह से घर से निकली अभी तक नहीं आई थी आहर ने मजबूरों का एक दो बार उनका नंबर मिलाया था लेकिन नंबर आप था उसने एक दो बार एहसान साहब से बात करनी चाही थी लेकिन रोना के बारे में कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे मैं उसके बारे में कोई बात नहीं सुनना चाहता आहद के समय में कुछ नहीं आ रहा था पहले उमर और अबराना उसकी जान मुश्किल में फंसी थी बाबा अब तो पाँच बज रहे हैं उनका फोन सुबह से आफ आप कुछ करें ना मुसलसल रोने से उसकी आंखों के पपोटे सूज गए थे उसमीना को भी फ़ोन करके बता चुके थे राना की वजह से इस घर में आने से कासर थी अब तो एहसान साहब को भी परेशानी लाक हुई थी आहद अरसल का नंबर मिलाओ अब उन्होंने अरसलान से खुद बात करने की ठानी थी जी बाबा एहसान साहब के कहने पर उसने अरसलान को कॉल मिलाई थी अब अगर कॉल आई ना तो मैं बाबा से कहूँगा तुम्हें खुद आकर यहाँ से ले जाएं अरसलान गुस्से से बोला था तभी उसके मोबाइल पर आज की कॉल आई थी जो कि उसने फौरन से रिसीव कर ली थी का कुछ पता चला ना जाने क्यों वो हकलाया था साथ ही उसने खा जाने मेरी नजर से उसे देखा था जो सामने बैठा माचिस की तीलियों से खेल रहा था बाप बोल रहा हो उसका अरसलान के हाथों से फ़ोन गीते गीते बचाता था उसने फोन स्पीकर पर डाला जज जी बाबा उमर चौंका था उसे बोलो गाराजे और कितना तंग करेगा अरसलान को समझ नहीं आया क्या कहे बाबा वो यहाँ मेरे पास मगर एहसान साहब की आवाज़ उसके हाथ पाँव फुला गई थी मुझे पता है वो इस वक्त तुम्हारे पास ही बैठा है उमर ने बेचैनी से पहलू बदला उसे बोलो इस उम्र में बाप को आजमा रहा है उनकी शिकित्सा सी आवाज उभरी थी उसके दिल को कुछ हुआ था जी बाबा मैं इसे लेकर दो ढाई घंटों में पहुंचता पहुंचाऊं वो फोन जाकर उसके पास आया था चलो अब अरसान के कहने पर वो मकान के अंदाज में, की में खड़ा हो गया था वो अरसलान को गाड़ी चलाने का कहकर खुद फ्रंट सीट पर आ बैठा था गाड़ी में खामोशी थी उन्हें अभी आधा घंटा हुआ था निकले हुए जब उमर ने साइड मिरर से देखा वो बाइक मुसलसल उनके ताकत में थी स्पीड बढ़ा जाए उसने बाइक पर नज़र जमाते हुए कहा था कहाँ मसूफ जाना नहीं चाहते थे और अब उड़का पहुँचना चाहते हैं अरसना ने उस पर लतीफ़ सी चोर की थी इतनी बेताबी मत दिखा यार मुझे अपने सिंगल होने पर शदीद अफसोस होता है अरसना ने हंसते हुए कहा था जितना तू सिंगल है ना अल्लाह ही बचाए स्पीड बढ़ा यार वह अब पीछे देखता बेचैनी से बोला था उसे उन बाइक सवारों के इरादे हर्तनाक लगे थे क्या मजा है आराम से उसके आगे पीछे ने अरसलान की तरफ इशारा किया था पीछे बैठे शख्स ने चादर से पिस्टल बरामद की थी सब कुछ पलक चपकते हुआ था अर्थी नीचे झुको वो बेहतिया उसके साथ बाहर रखकर उसका साथ नीचे चलाया था फिजा में गोलियों की तरतराहट गूंजी थी वो एक झटके से गाड़ी के दरवाजे से लगा था उमर उमर अरसलान गाड़ी को ब्रेक लगाते हुए पूरी को चिखा था एक गोली बाएं तरफ कंधे पर दिल से थोड़ा ऊपर पे बस हुई थी दूसरी उनके बाएं बाजू में लगी थी गाड़ी इधर उधर लहराई थी अरसलान के हिस्से की गोलियां वो अपने जिस्म पर खा चुका था अरसान ने उसका हाथ थामा था आंखें कोई मुझे मेरी तरफ देख उमर ने उसके हाथ पर अपनी गिरफ्त साद की थी उसकी सफ़ेद शर तेजी से उसके होंठ से शुरह होने लगी थी उसका जहन तारकियों में डूब कर उबर रहा था मम उसके होंठ हिले थे, थे। उमर उमर हम हॉस्पिटल जा रहे हैं तुम तुम आंखें बंद नहीं करना प्लीज़ उसने गाड़ी स्टार्ट करके अपनी आस्तीन से आंसू साफ किए थे हैप्पी बर्थडे बाया एंड आई लव यू द मोस्ट दूर कहीं से आध गया आवाज आई थी उमर मेरा बेटा है एहसान साहब की आवाज़ समीना की आवाज में घुड़मुड़ हुई थी आ गई आने की याद किसी ने उसकी परेशानी चूं थी उसने आंखें खोलकर धुंधलाई आंखों से देखा था अरसलान आसिन से आंखें साफ कर था उससे कोई बात कर रहा था मुझे छोड़ जाने के बाद फिर मत कीजिएगा आपसे पहले मैं मर जाऊंगी उसके सीने से लगी रो रही थी उसका जहन आप तारीखे में डूब रहा था अरसलान के हाथ पर उसकी गिरफ्त हल्की हुई थी उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हुई थी ऐसा ना कर जा रूमी आँखें कोल जानी वो रोते रोते चीहा था जब अपने जब आप मेरे पास होते हैं ना तो मुझे लगता है कि दुनिया की कोई मुश्किल मुझे छू नहीं सकती अरसान के हाथ में उसका हाथ बेजान हुआ था उम्र गद्दारी नहीं करना उसे कह रहा हूँ मैं वो उसे देकर रोते हुए बोला था पंद्रह मिनट बाद वो हॉस्पिटल में थे उसे ऑपरेशन थिएटर मुंतकिल किया गया था वो हारे हुए जुवारी के दा दोनों हाथों पर सर गिराए बेंच पर बैठा अल्लाह से अपनी जान से पहले दोस्त की ज़िंदगी मांग रहा था उसने अपने भाई को फ़ोन कर दिया था उसका बड़ा भाई और वालद आ रहे थे उम्र उसकी इलाकाई दुश्मनी की वजह से आज इस हाल में था पानी के मसले पर तनाजा बढ़ गया था जिसके बायस वो अरसलान को नुकसान पहुंचाना चाहते थे पर उनकी जद में वो आ गया था उसने कुछ सोचकर आहत का नंबर मिलाया मरहला भी तय करना था अरसलान भाई अरसल भाई आगे से उसकी आवाज़ सुनकर उसका जी चाह वो ग़ायब हो जाए भाई उनसे बोले मुझसे बात करें वो मुझसे नाराज़ है मैं सॉरी करती हूँ पर मुझसे बात तो करे वो बोलते बोलते रो दी थी वो तो मुझसे भी बात नहीं कर रहा उसका दिल रोया था गुड़िया आहत को फ़ोन दो प्लीज़ वो जब से बोला था पहले मेरी बात करवाए वो ज़िद्द थी वो बात जिद थी वो वो इस वक्त यहाँ नहीं है मैं अर्थलान से बोलना मुश्किल हुआ था कहाँ है वो उसके बाद कार का उसने बेताबी से पूछा था अरसलान का जब जवाब दे गया था वो फोन काट गया था दो तीन मिनट बाद फोन बजा था स्क्रीन पर आहद का नाम देखा उसका दिल फिर लड़का था हेलो अरसल भाई हेलो आपको मेरी आवाज़ आ रही है अहद की आवाज़ सुनकर उसने आगे बांध की थी यार बाया से कहें ये छुपा छुपाई बंद करें अब घर आ जाए बहुत हो गया मुझसे कुछ भी नहीं संभाला जा रहा अब वो जंजला का बोलता रो देने को था आग जार वो बढ़ाई हुई आवाज़ में बोला था आहद का दिल डूबा था यार वो वो हॉस्पिटल में आता तुम बाबा को लेकर आ जाओ उसे गोलियाँ उसे ज्यादा वो नहीं बोल सकता आज जहां था जहाँ था वहीं का वहीं रह गया क्या कह रहे हैं अरसल भाई बयान ठीक तो है आहद की घबराई हुई आवाज पर बोल लड़खड़ाई थी हमने गोलियां निकाल दी हैं होल ज्यादा पहचाने की वजह से हम कुछ कह नहीं सकते दुआ करें होश आ जाए अगर 48 घंटों के अंदर होश ना आया तो मरीज को कोमे में जाने के चांसेस हैं डॉक्टर पेशावराना अंदाज में कहता आगे बढ़ गया था ऐसा साहब लड़ थे अहद ने इन्ह का पास पड़ी कुर्सी पर बैठाया मेरा बच्चा मेरा उम्र सुमीना बड़बड़ाती बड़ बड़बड़ाती हुई बेंच पर बैठ गई थी अरसा दीवार से लगा था अदा वो मेरे आपके बाइक के, के हिस्से की गोलियाँ खुद पर खा गया अदा वो मुझसे मुझे बचाने के लिए मोह से खेल गया मैं कुछ ना कर सका मैं यहाँ खड़ा हूँ अदा वो मेरी जान, मेरा जिगर मेरा यार वो ऊंचा लंबा मर्द अपने बाइक गले ला कर रो दिया था एक वो थी ये खबर सुनने के बाद भी उसी पर बेंच पर बैठी गैर मरे नुक्ते को गू रही थी सबसे पहले आहद का ही हृदय उस पर गया था वो धीरे धीरे कदम उठाता था उसके पास बैठा था उसे इस हालत में तरस आया उसकी हालत को सुबह से बिखरी हुई थी पर इस वक्त इतनी बड़ी बात सुनकर भी उसकी आंखें खुश थी एक हाथ में उसका वॉलेट और दूसरे हाथ में उसका मोबाइल था मैं वो सामने दीवार को घूर रही थी अहद के दिल को कुछ हुआ था इनू उसका हाथ थाम कर उसने उसे धीरे से पुकारा था मैंने तुम्हें कहा था ना कि मेरा दिल घबरा रहा है तुमने किसी ने भी मेरी बात का यकीन नहीं किया सकता टूटा था उसकी तरफ मुड़ी थी उसके हाथ थाम का बोलती उसका लहजा बढ़ा गया था आह मैं मैंने तो उनसे सो सोरी भी नहीं किया आंसू पर काबू पाते बामुश्किल बोलती वो आहद को रुला गई थी आहद ने उसे अपने कंधे से लगाया था दोनों बहन भाई शिद्दतों से रो दिए थे कुछ देर बाद आहद को वो याद आई थी उसने दड़ते दिल के साथ उनका नंबर मिलाया था बैल जा रही थी उसकी दिल की धड़कन पर बैल पर तेज होती गई थी काल पिक हुई थी क्यों काल की है तुमने मुझे जाओ अपने बाप के पास तुम तुम दोनों अपने बाप के बेटे हो मुझे तो तुम तुम दोनों ने कभी माँ समझा समझा ही नहीं गुस्से से बोलते हुए राना की आवाज़ आहर में बढ़ाई थी आहर ने दातू तले लब दबाए थे मम्मा बयान उसे बोला नहीं गया था अपने भाई से कहना खुश हो जाए मैं जा रही हूँ उसकी जिंदगी से काले अपनी खुशी पूरी मैं तो उसकी अच्छी अच्छी माँ नहीं बांध सकी नहीं आओगे अब वापस तुम सब की ज़िंदगी में रहना का आंसू से लबरेज़ एक एक लफ्ज़ उसका दिल काट रहा था उसने सिसकी रोकने के लिए बेहतर होंठों पर हाथ जमाया था बाया आह के नाम आवाज पर वो ठड़की थे बाया हॉस्पिटल में है वो जा रहे हैं मामा इन्हें रोक ले मामा कहते हुए वो रो दिया था रहना के हाथ में थामा था। मोबाइल हाथ से फिसलने लगा था